हाँ जी, राम राम, वंदे मातरम, मदन आंसनी। फिर से मेरे नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको टाटा एस के नई समस्या लेके आया हूँ। समस्या क्या है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वीडियो में, और उसका मैं पूरा सॉल्यूशन भी बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, जो आप ये देख रहे हो, ये अपने रेडिएटर की टंकी है, जो अंदर डैशबोर्ड में लगी हुई होती है, वो वाली टंकी है। और ये देखो आप, यहाँ से ये ब्लैक ब्लैक हो गई, और इसके अंदर पानी भी है ना, जो ब्लैक ब्लैक निकल रहा है। तो दोस्तों, अभी जो आपने ये देखा, जो टंकी है, टंकी जैसे ब्लैक हो रही है, उसी हिसाब से क्या है, इसका रेडिएटर भी ब्लॉक हो रहा है। तो देखो, मैं रेडिएटर भी दिखाता हूँ आपको। ये इसका रेडिएटर का केप और रेडिएटर भी ब्लॉक हो रहा है। जैसे ऐसे लग रहा है जैसे इसके अंदर आयल आ रहा हो। तो अब इसमें आयल आ रहा है ये क्या आ रहा है, उसको समझने के लिए और देखने के लिए हमारे को क्या है, इसका हेड उतारना पड़ेगा। तो अभी हमने क्या है, इसकी हेड की आधी से ज़्यादा फिटिंग खोली है, क्योंकि गाड़ी थोड़ी गर्म है, इस वजह से इसके जो मेन बोल्ट है वो नहीं खोले। तो थोड़ी बहुत ये गाड़ी ठंडी हो जाए, फिर इसके मेन बोल्ट खोलने पर पता लगेगा कि ये रेडिएटर कहीं से, जो ये हेड है वो कहीं से लीक हो गया, या गैस्केट बहुत ज़्यादा फट गया, या क्या हो रहा है, वो अभी इसको उतारने के बाद में पता पड़ेगा। तो आप थोड़ा सा इंतजार करिए और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। हमारे को इस समस्या का पता चल गया है। ये समस्या, ये हेड हमने उतार लिया, हेड उतारने के बाद में पता लगी है। तो देखिए, जो इसके ये है ना छिद्र, बहुत कम आते हैं, लेकिन ये इसके बहुत ज़्यादा फैल गए हैं। और जो ये यहाँ से यहाँ तक देख रहे हो ना, यहाँ से यहाँ तक इसका गैस्केट बहुत ही बुरी तरीके से उड़ा हुआ है। और जो ये इसका कंप्रेसर है ना, जो ब्लैक यहाँ धुआं रहती है, वो धुआं इस पानी में जा रही है, इस वजह से वो रेटर और वो जो ढोलकी है, वो दोनों ब्लैक ब्लैक उसमें पानी आ रहा था। तो इसका हेड है ना, जो पूरा बुरी तरीके से गल चुका है। तो अब गाड़ी वाले पे निर्भर करता है कि अगर उसके पास पैसे होंगे तो मेरे हिसाब से तो हेड नया डलना चाहिए। बाकी अब देखते हैं, वो इस पर माल भराता है या गैस्केट वो पूरा हेड ही चेंज करवाता है। अगर पूरा हेड चेंज कराएगा तो सही रहेगा, और अगर माल बनाएगा इस पर तो मेरे को लगता नहीं है ये सक्सेस होगा। लेकिन अब बाकी तो जो आगे का डिसीजन है वो गाड़ी वाले पे है। तो दोस्तों, मैंने आपको ये समस्या बता दी है और इसका समाधान बताया, या तो इसमें माल भरेगा या जो हेड है वो नया डलेगा। तो अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।